हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसूज क्रिएशंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज मैं फ्रेंड्स ये रोस्टेड चने से घर में ही आपको प्योर शुद्ध देसी सत्तू बना के दिखाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स हर जगह ये सत्तू हमारे अच्छी वाली नहीं मिलती, बहुत कम जगहों पर ये शुद्ध सत्तू मिलती है, और कहीं मिलती भी है तो वो मज़ा नहीं आता। तो आज देखिए, मैं इस चने को हाथों से पहले अच्छे से मसल लूँगी। और आज मैं फ्रेंड्स जो आपको किचन हैक समझ लीजिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये है एक हमारा पंप जो कि मैंने बलून फुलाने के लिए ओनली 60 रुपीज़ में बेकरी शॉप से परचेस किया था। और देखिए फ्रेंड्स, इस पंप को मैं कितने अच्छे से यूज़ कर लूँगी आज, ये देखिए। एक तो ये करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, और इस पंप से पूरे छिलके आसानी से देखिए उड़ के बाहर की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स यदि मुंह से आप इसको फूंकते हैं तो अपना मुंह भी दुखता है, और दूसरी बात ये सारे छिलके अपने सर पे और चारों तरफ इधर उधर फैलती है। तो मैंने एक पेपर बिछा लिया है और वॉश बेसिन के सामने ये काम कर रही हूँ ताकि सारे छिलके उड़े भी तो आसानी से साफ़ हो जाएं। और सबसे बड़ी बात, करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो आज मैं इसी पंप का यूज़ भी आपको इस तरह से दिखा दे रही हूँ कि देखिए, ये छोटी सी पंप है ओनली 60 रुपीज़ की, पर हमारे ये छिलके उड़ाने में कितना हेल्प कर रही है। और फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली थी लिट्टी चोखा, जिसके लिए मुझे प्योर सत्तू की बहुत ज़रूरत थी। और लिट्टी में फ्रेंड्स सत्तू यदि आपका प्योर है तो आपकी लिट्टी भी बहुत अच्छी बनती है। मैं आगे वाली वीडियो में आपको शेयर करूंगी लिट्टी चोखा की रेसिपी भी। तो मुझे शुद्ध सत्तू की ज़रूरत थी, तो मैं सोची घर में ही इसको बनाऊँ। और मैं आज ही नहीं, मैं 2-3 बार पहले भी इसको बना चुकी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हर जगह सत्तू तो आसानी से मिलती नहीं, मुझे भी यहाँ नहीं मिली। तो आप देखिए, मैं इस पंप से आसानी से सारे छिलके उड़ा उड़ा के बाहर की तरफ निकाल रही हूँ, ये देखिए। सत्तू के फ्रेंड्स बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, गर्मियों में तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, खाली पेट में बिल्कुल गैस फॉर्म नहीं होने देती। तो ये देखिए, मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं, और ये मेरी छोटी सी जार है, तो मैं इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सत्तू तैयार करूँगी। और फ्रेंड्स, वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और फाइनली मेरी सत्तू बनके रेडी हो गई। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं इसको जार में भर के रख लूँगी। बाय बाय।